बोलो। मैं बलबीर सिंह सैनी भिवानी रोड जींद से रफी इलेक्ट्रॉनिक्स के सेंटर से बोल रहा हूँ कि मेरे पास पुरानी दुर्लभ कैसेटें हैं, ऑडियो वीडियो और टेप रिकॉर्ड भी हैं, ग्रामोफोन मशीनें भी हैं, चालू आ रहा था, अच्छी कंडीशन में है। कोई संगीत प्रेमी भाई इच्छुक हो तो मेरे से संपर्क कर लें। अच्छा अंकल जी, जैसे दिखाइए एक बार क्या क्या है आपके पास में। जैसे ये रखा, ये क्या है? ये वो है रिकॉर्डिंग मशीन है। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग मशीन है। ऑडियो कैसेट है 2500। ये कैसेट है आपकी? ऑडियो कैसेट है 2500। अच्छा, 2500। डीवीडी की सीडी कैसेट है, बड़ी दुर्लभ कैसेट है, 40 साल से कलेक्शन करे डी। कोई फिल्म का शौकीन हो तो यहाँ से खरीद सके। और ये टेप रिकॉर्डिंग की कैसेट है, ऑडियो कैसेट, ये शौक मैंने बचपन से ही है, 12 साल का था तब मैंने ये शौक पड़ गया था संगीत का जी। और मैं एक भैंस बेच कर 400 रुपया की, और जब मैं 500 रुपया का एक रेडियो ले आया था। अच्छा, 1965 में जी। और उसके बाद मैं संगीत से जुड़ता चला गया, और आज भी मैं रफी लता के गानों का बड़ा शौकीन हूँ। ये देखो आप, पोस्टर देखो आप एक बार इनका, बहुत ही रफी साहब जी हैं, लता जी हैं, मीना कुमारी जी हैं, विंटेज जी बोला सिन्हा है। तो अंकल जी, आप जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहोगे? बस यही कहूँगा कि संगीत जो है इंसान को जीता जिंदा रखता है, संगीत प्रेमी जो है वो उनके लिए भगवान का वरदान है, और संगीत से जुड़ना बहुत अच्छी बात है। संगीत में जीवन है हमारे। कुछ दिन पहले जो है लता चली गई संसार से, संसार रोया उनको याद करके जी, और हमारी उनको भी श्रद्धांजलि है। और मैं रफ़ी लता मुकेश का बहुत बड़ा फैन हूँ जी, इसलिए मैं संगीत से जुड़ा हुआ हूँ। और मेरे पास बड़ी दुर्लभ कैसेटें हैं और रिकॉर्ड प्लेयर है, ग्रामोफोन भी हैं। अच्छा जी, हाँ। तो किसी संगीत प्रेमी भाई ने अगर कोई शौक है, कोई चीज़ लेना चाहे है जी, तो मेरे से संपर्क कर ले जी। धन्यवाद अंकल जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद जी।